अभी बज रहे 10:30 और मैं 9:30 से खड़ा हूँ यहाँ पर। 1 घंटा हो गया पर अब तक बस आया नहीं स्टेशन जी ना। तो मैं पहुँच गया हूँ वीरपुर बस स्टॉप पे और अभी बज रहे 1:30 और फोटो जो है मंदिर के अंदर भी है। यही रियल फोटो है जलाराम बाबा का। मैं आ गया हूँ चेकआउट करके होटल से बाहर और मैं खड़ा हूँ चोटीला यानी कि चामुंडा माता के एंट्रेंस के यहाँ पे। अगर आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखा तो इसके पहले वाला वीडियो जो देख लो जाकर, ऊपर आई बटन में मैंने दिया हुआ है तो जाकर देखो और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है तो आप वहाँ पर भी जाकर चेक कर सकते हो। तो यहाँ से मुझे जाना है वीरपुर और देखते हैं यहाँ पर बस मिलती है कि नहीं। यहाँ पर मैंने 1-2 जन को पूछा कि यार वीरपुर के लिए यहाँ से कोई बस है क्या जाने के लिए, तो उन्होंने बोला एक काम करो आप राजकोट चले जाओ, राजकोट से जो है वीरपुर इजीली आप वहाँ से जा सकते हो कि ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। और दूसरे एक अंकल ने मेरे को बताया कि आप जूनागढ़ या पोरबंदर दूसरी कोई बस पकड़ते हो यहाँ से तो आपको जो है वीरपुर बीच में पड़ेगा, तो आपको वाया वाया जाने नहीं पड़ेगा, आप सीधा वहाँ पे वीरपुर शॉप पे उतर सकते हो। तो देखते हैं यहाँ पे क्या ऑप्शन अवेलेबल है। बस जैसे आता है मैं वैसे जाता हूँ। अगर जूनागढ़ के लिए बस अगर जल्दी नहीं आता है तो मैं राजकोट चले जाऊँगा और राजकोट से फिर वीरपुर चले जाऊँगा। तो अंकल मैंने यहाँ थी बस मड़ी से वीरपुर माटे जूनागढ़ वाली लाइन नहीं गमे हाँ। अंकल बता रहे कि मुझे जूनागढ़ वाला जो बस है वो डायरेक्ट वीरपुर छोड़ेगा। अगर मेरे को जाना है वीरपुर तो मैं जैसे कि आपको पहले बताया कि अंकल ने मेरे को बताया कि आप राजकोट उतर के चेंज कर सकते हो, बट जहाँ पर मैं खड़ा हूँ एंट्रेंस के यहाँ पे मंदिर के एंट्रेंस के यहाँ पे प्राइवेट बस है ना बदी अच्छा यहाँ इस मंदिर के सामने जो आपको प्राइवेट बस मिलेगी बट उसका जो कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा है। बट मुझे जाना है गवर्नमेंट बस में, यहाँ की जो लोकल बस है उसमें जाना है मुझे। तो ये बस क्या मर्जे मैंने मंदिर से जैसे हम लोग एंट्रेंस से बाहर आएंगे तो उसके राइट हैंड साइड पे थोड़ा सा आगे जाना है, ज्यादा लंबा नहीं है, तो चलते हैं और देखते हैं बस कभी आता है। तो मैं फिलहाल खड़ा हूँ बस स्टैंड के यहाँ पे और यहाँ पर मुझे 1-2 जन ने बताया कि आप मंदिर से जैसे ही बाहर आओगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे 1 या 1.5 किलोमीटर पे जलाराम बापा का मंदिर है। बहुत ही ब्यूटीफुल मंदिर है, ज़्यादा किसी को पता नहीं है। अगर आप यहाँ पर आ रहे हो, मेरे पास टाइम नहीं तो मैं जाता था वहाँ पर, बट अगर आप आ रहे हो यहाँ पर और अगर आपके पास टाइम है तो आप वो मंदिर में भी विजिट करो और दर्शन करो, बहुत ही ब्यूटीफुल मंदिर है। यहाँ का क्लाइमेट जो है थोड़ा सा बारिश जैसा भी हो गया है। कल रात को जो है यहाँ पर बारिश भी गिरा था, मैं सोया था तो मुझे आवाज़ भी आ रहा था बारिश का, ज़्यादा नहीं हुआ था बट थोड़ा ही हुआ था। आई होप कि अभी ना हो बारिश, ये तो छाता उतना कुछ लाया नहीं है, प्रॉब्लम हो जाएगा घूमने के लिए। यहाँ पर मंदिर का जो एक और एंट्रेंस है, हम लोग वो दूसरा एंट्रेंस से गए थे, आप लोग पीछे देख पा रहे हो वो एंट्रेंस है, और ये जो दूसरा एंट्रेंस है यहाँ से भी आप मंदिर के लिए दर्शन के लिए जा सकते हो। अभी बज रहे 10:30 और मैं 9:30 से खड़ा हूँ यहाँ पर। 1 घंटा हो गया पर अब तक बस आया नहीं। यहाँ पे मैंने इंक्वायरी किया यहाँ पे बस स्टैंड के यहाँ पे, बट उन्होंने बोला कि 10 मिनट में बस आएगा। 1/2 घंटा हो गया अब तक बस आया नहीं और बारिश भी थोड़ा थोड़ा सा गिर रहा है, थोड़ी थोड़ी बूंदे गिर रही है, बारिश ना गिरे तो अच्छा है यार। तो अगर जूनागढ़ के लिए बस नहीं आती जल्दी तो मैं सोच रहा हूँ राजकोट चले जाओ और फिर राजकोट से जो है आपको कंटिन्यू वहाँ से बसेस मिलती है वीरपुर जाने के लिए, तो देखते हैं अभी राजकोट का बस आएगा तो उसमें ही चढ़ जाता हूँ मैं। सो फाइनली जो 1 घंटे का वेट करने के बाद बस आ गया और ये जो बस है सोमनाथ का बस है, ये वीरपुर होके जाएगा, तो मैं जो है बस में बैठ गया हूँ और यहाँ से जो वीरपुर का डिस्टेंस है और यहाँ से अरे बहुत लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं यहाँ, और यहाँ से जो वीरपुर का डिस्टेंस है वो है 102 किलोमीटर, मैंने गूगल में देखा अभी और टाइम दिखा रहा है गूगल में 2 hours and 20 minutes, बट ST बस में जा रहे हैं, यहाँ की लोकल बस में जा रहे हैं तो 3 से 3.5 घंटे के ऊपर लग ही जाएगा जाने के लिए। तो अभी बज रहे 10:45, देखते कितना टाइम जाता है।
तो अभी बज रहे 12 और 12 बजे हम लोग जो है राजकोट पहुँचे। बहुत ही स्लो जा रहा है बस, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रास्ते पे जो है फॉग है, तो स्लो जा रहा है बस। मतलब हम लोग को 3 से 4 तो बज ही जाएगा पहुँचते पहुँचते, तो देखते हैं। अभी 5 मिनट का ब्रेक लिया यहाँ पे राजकोट पे, मैं उतर तो सकता नहीं, सब बैग भी रखा है मैंने। और लिटरली जो बाहर बारिश हो रहा है, पूरा गिला हो रहा है नीचे, तो आई होप कि वीरपुर पहुंच के वहां पर बारिश ना हो, नहीं तो वांदा हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, देखते। बस स्टेशन है ना, तो मैं पहुंच गया वीरपुर बस स्टॉप पे, और अभी बज रहे 1:30, और मेरे को वहां से यानी कि चोटीला से यहां पर आने के लिए एग्जैक्ट हम लोग कितने बजे बैठे थे, 10:30 बजे हम लोग बैठे थे वहां पे, और अभी बज रहा है 1:30, यानी कि 11:45, 3 घंटा लग गया हम लोग को यहां पे आने के लिए। यहां से मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है, 1 किलोमीटर पर ही है, बट बारिश हो रही है यहां पर, तो अभी देखते कैसे जाता, थोड़ा सा बारिश कम होता है तो चलते, ज़्यादा लंबा नहीं। और अभी मुझे मंदिर तो बंद हो गया रहेगा, क्योंकि 1 बज रहा है, 1 बजे मंदिर बंद होता है, अभी खुलेगा मंदिर सीधा 3 बजे, तो हम लोग कुछ दर्शन करने तभी जा सकते हैं। तो अभी जाते हैं और सामान जो है लॉकर में रखते हैं, फिर खाना खाने चलते हैं, खाना भी चालू रहेगा वहाँ पर। हाँ ना, लॉकर में मुक्की दे इसने, मारे लॉकर में मुकवा क्या, जलान बापा ने मंदिर पास धर्मशाला में रिक्शा कर लिए, मैं खड़ा था बस स्टैंड के यहाँ पे, और बारिश भी रुक नहीं रहा था, तो मैं सोचा चलो रिक्शा कर लेते, 20 रुपीज ले रहे वीरपुर अपना मंदिर तक छोड़ने के लिए बस स्टैंड से, तो ठीक है 20 रुपीज लेते, और बारिश है तो क्या कर सकते, मेरे को गीला तो होना नहीं है, तो चलते और देखते कि वहाँ पे क्या ऑप्शन है। मंदिर तो बंद रहेगा, मैंने आपको पहले बताया, तो चलते हैं। मुझे वो रिक्शा वाले अंकल ने वीरपुर मंदिर के यहाँ पे छोड़ तो दिया, बट खाने का टाइम 2 बजे तक का ही है, तो मैं पहले खाने खाने जा रहा हूँ। लोग पहले मंदिर में आके दर्शन करते फिर खाना खाते, बट क्या कर सकते, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, खाना जो है 2 बजे तक ही है, तो पहले जाते खाना खाते, और फिर जो है 3 बजे, 3 से अंकल ने बताया कि मेरे को 4 बजे जो है मंदिर ओपन होएगा, तो अभी 1.5 घंटा फिर मैं बैठ के क्या करूँगा, तो चलो पहले खाना खा के आते, फिर 4 बजे जैसे ही मंदिर खुलेगा वैसे हम लोग दर्शन करेंगे। मैं आ गया हूँ खाना खाके बाहर, और यहाँ पर जो खाने का टाइमिंग है वो सुबह 10 बजे से 2 बजे तक का है, और शाम को 6 बजे से 9 बजे तक आप यहाँ पर आके जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में खाना खा सकते हो। मैं अंदर था जब खाना खा रहा था, तब मैंने एक जन को पूछा वहाँ पर कि मंदिर अभी तो बंद होगा, तो उन्होंने बताया भाई मंदिर बंद नहीं रहता है, दोपहर के टाइम पर भी आप जाकर दर्शन कर सकते हो। तो अभी जाते हैं यहाँ पे एक बाजू में ट्रस्ट की तरफ से जो है अतिथि गृह है, वहाँ पर जाके हम लोग लॉकर में देखते, रूम तो लेना नहीं है, लॉकर में सिर्फ सामान रखते और फिर जाते दर्शन करने के लिए। और ये जो अतिथि गृह है वो भोजनालय से एग्जैक्ट बाजू में ही है, आप जैसे ही भोजनालय से बाहर आओगे तो राइट हैंड साइड पे आप थोड़ा सा आगे जाओगे तो आपको दिख जाएगा। और मैंने अपना जो सामान जो है अतिथि गृह में अपने लॉकर में रख दिया है,
और यहाँ पर जो है अतिथि रूम है, अगर आपको रहना है, अगर आप सिंगल हो तो आपको जो है डोरमेट्री सिस्टम में ही रहना पड़ेगा, आपको रूम दिया नहीं जाएगा। मैंने भी जो है डोरमेट्री सिस्टम में अपना बेड जो है वो बुक किया है और वहाँ पर लॉकर दिया गया मेरे को, बट वहाँ पर आपको लॉक नहीं दिया जाएगा। तो अतिथि गुरु के एग्जैक्ट सामने ही बाजू में ही एक शॉप है जहाँ पर आपको ताला मिल जाता है, उसका जो भाड़ा है वो 5 रुपीज़ है, 30 रुपीज़ आपको जो है डिपॉजिट करना पड़ेगा और बाकी का जो आप ताला चाबी रिटर्न करोगे तभी बाकी के 25 रुपीज़ वो अंकल वापस आपको कर देंगे। और इस अतिथि गृह में जो डोरमेट्री सिस्टम है उसका कॉस्ट है 30 रुपीज़, आपको 50 रुपीज़ डिपॉजिट करना पड़ेगा उसके लिए। और अगर आप फैमिली के साथ आते हो तो आपके साथ अगर 3 से 4 जन हैं तो आप यहाँ पर बुक कर सकते हो रूम अपने लिए, और यहाँ पर जो रूम का कॉस्ट है वो है 200 रुपीज़। और इस अतिथि गृह से जलाराम बापा का जो मंदिर है वो ज़्यादा लंबा नहीं है, 600 से 700 मीटर के डिस्टेंस पर ही है, तो आप चलकर जा सकते हो। तो आप जैसे ही अतिथि गृह से बाहर हो गए तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे जाना है सीधा सीधा, ज़्यादा लंबा नहीं है तो इसके लिए मैं भी चल के ही जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर मंदिर के और जा रहा था तो मुझे कुछ लोग मिले यहाँ पर जो बता रहे कि ये लोग जो है सोमनाथ से, सोमनाथ की आवाजन तुम्हें चलता चोटिला, तो ये लोग जो है सभी लोग सोमनाथ से चल के आ रहे। और कितने मंदिर घूमने वाले हो अभी आप लोग? जलाराम बापा ने जो सोमना, अच्छा तो अभी जो है ये लोग भी जो है जलाराम बापा के दर्शन करने के लिए जा रहे और यहाँ से ये लोग जाएंगे चोटिला जहाँ पे मैं अभी गया था। तो तुम्हारा नाम भाई? सीना भाई। तुम्हारा नाम? सुरेश भाई। धर्मेश भाई। तुम्हारू? रवि भाई। जय जलाराम बापा। तो अभी जो लोग मुझे मिले थे वो लोग सोमनाथ से चल के आ रहे और 2 दिन से चल रहे वो लोग, कंटिन्यू नहीं चलते रहेगा ऑफकोर्स, कहाँ पर कहीं ना कहीं पर तो लोग ने नाइट स्टे किया रहेगा। तो वो लोग इसके पहले जो है वीरपुर से पहले वो लोग खोडल धाम जाकर आ रहे, यहाँ पर नज़दीक में ही है 5-6 किलोमीटर पे, वहाँ पे जो है खोडल माता का बहुत ही ब्यूटीफुल मंदिर है। मेरा प्लान है वहाँ पर जाने का, पर देखते हैं पहले यहाँ पर कि कितना टाइम लगता है। जो आज गुरुवार है तो गुरुवार को जो है यहाँ पे जलाराम बापा के मंदिर में थोड़ा सा रश रहता है ज़्यादा, तो देखते हैं कितना टाइम होता है यहाँ पर। फिर अगर ज़्यादा टाइम रहेगा अपने पास तो मैं जाऊँगा वहाँ पर खोडल धाम खोडल माता के दर्शन के लिए। तो मैं पहुंच गया हूँ जलाराम बापा मंदिर के एंट्रेंस के यहाँ पे। जैसे ही आप अतिथि गृह से आगे आओगे 700 मीटर तो आपको एग्जैक्ट उसके सामने, वो गली के एग्जैक्ट सामने जो आपको एक और गली दिखाई देगी जहाँ से आपको अंदर जाना है। और मंदिर के अंदर जो है शूट करना अलाउड नहीं है, तो मैं आपको इस गली तक ही लेके जा सकता हूँ और फिर मुझे कैमरा बंद करना पड़ेगा। तो आप जैसे ही गली के अंदर आओगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी शॉप देखने मिलेगी, आप यहाँ से बहुत कुछ खरीद भी सकते हो। और यहाँ पे अगर प्रसाद के तौर पे आपको कुछ लेकर जाना है तो आप यहाँ से पेड़े भी खरीद सकते हो। हम लोग पहुंच गए जलाराम बापा मंदिर के एंट्रेंस के यहाँ पे, बट अंदर जो है वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मैं तुमको सिर्फ बाहर से ये सिर्फ गेट दिखा सकता हूँ बस। अंदर जाके जो है कैमरा अलाउड नहीं है तो मुझे जो अभी कैमरा बंद करना पड़ेगा। तो जाते अंदर दर्शन करते फिर मिलते हैं। तो मैं अब आ गया हूँ मंदिर से बाहर और इस मंदिर में जो है बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए जलाराम बापा के। और इस मंदिर में जो है जलाराम बापा की कोई मूर्ति नहीं है, एक फ़ोटो लगाया हुआ है जो उनका रियल फ़ोटो है। तो उनके दर्शन हुए, बहुत ही अच्छे हुए, ज़्यादा गर्दी नहीं था अंदर। और इस मंदिर का जो टाइमिंग है वो है सुबह 6 बजे स्टार्ट होता है और रात को 9 बजे तक रहता है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि दोपहर को 1 से 3 बजे के बीच में जो है मंदिर बंद रहता है, बट यहाँ आकर मुझे पता चला कि अभी जो है सुबह 6 से 9 बजे तक कंटिन्यू जो है दर्शन चालू रहते, तो आप कभी भी आ सकते हो और जलाराम बापा के दर्शन कर सकते हो। तो जय जय जलाराम बापा। जय जलाराम बापा। तुम्हारू नाम? किरीट भाई गटिया। किरीट भाई गटिया। तो हमें बताइए जलाराम बापा के बारे में कुछ। जलाराम बापा रघुवंशी समाज से थे, लोहाना बोलते हैं इधर। उनका जन्म 1856 विक्रम संवत में आज से 222 साल पहले एक व्यापारी के यहाँ हुआ था। जलाराम बापा ने
जीवन में एक ही मंत्र रखा था, देने को टुकड़ा भला लेने को नाम, जितने भी लोग आए उसको खाना खिलाना। आज 222 साल हो अभी ये चालू, अभी 222 साल हो गए, अभी भी चालू है। 222 साल हो गए जलाल बापा के जन्म को। और ये सदावर्त, आपने ये देखा ना तस्वीर, आज से 2 साल पहले जलाल बापा ने सदावर्त शुरू किया, उसको 200 साल पूरा हो गया। 200 साल पूरा हो गया, 200 साल से ये चलता है। ये क्या आपका हिंदी में लंगर बोलता है, हिंदी में भंडारा बोलता है, यहाँ क्षेत्र चलता है। दोनों वक्त जितने भी लोग साधु संत कोई भी यात्री गए सबको खाना खिलाना, उसका एक ही मंत्र था। एक बार भगवान खुद राम जलाराम बापा की कसौटी करने आए थे, भगवान खुद राम। उसने जलाराम बापा से अपनी बीवी की मांग की, जलाराम बापा ने अपनी बीवी का पत्नी का दान दे दिया और भगवान उसको छोड़ के चले गए जंगल में। उसका जो प्रमाण है वो मंदिर में दंड और जोड़ी अभी भी मौजूद है, इसकी कृपा से आप 200 साल से ये चलता है। पिछले 21 साल से कोई डोनेशन भेंट सौगात नहीं लेते हैं। यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे कुछ भी डोनेशन नहीं, दान पेटी भी नहीं, एक भी आप कुछ भी पैसा दान नहीं कर सकते हो यहाँ पर। विश्व का ऐसा शायद पहला मंदिर है जहाँ पर जो है पैसा लेने सौगात या कोई दान नहीं लेते, नहीं लेता। सही बात है। और इनका जो नाम है जलाराम, वो किस पर से पड़ा बता सकते हो? तो उसका पिताजी का नाम था प्रधान ठक्कर, प्रधान ठक्कर, माता का नाम राजबैमा। और जलाराम बापा 3 भाई थे। ओके। ये जलाराम बापा शायद दूसरा था, दूसरे नंबर में थे। जलाराम ही नाम था उसका, उनका नाम जलाराम ही था। जला में राम आता है, जो जला का उल्टा कर दो लाज होती है, सबकी लाज बचाता है वो जला, जला सबकी लाज बचाता है जला। जो फोटो आप लोग देख रहे हो वही फोटो जो है मंदिर के अंदर भी है, यही रियल फोटो है जलाराम बापा का। तो जलाराम बापू के दर्शन करने के बाद अब हमें जाना है खोडल धाम, वहाँ पे खोडल माता के दर्शन करना है। तो मैं वापस जा रहा हूँ बस स्टैंड के यहाँ पे, यहाँ पे एक अंकल ने मुझे बताया कि वहाँ पर आप बस स्टैंड के यहाँ पे जाओ तो आपको जो है वहाँ से कोई भी व्हीकल्स मिल जाएगी वहाँ पर जाने के लिए। अगर मैं वापस मंदिर से थोड़ा सा बाहर जाके प्राइवेट गाड़ी करूँगा, प्राइवेट रिक्शा करूँगा, तो वो लोग जो है ज़्यादा भाड़ा लेंगे। तो देखते हैं जाके बस स्टैंड के यहाँ पे क्या ऑप्शन अवेलेबल है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए, क्योंकि मैंने जो नेट पे देखा था तब भी मैं ज़्यादा एक्साइटेड था देखने के लिए, और आज मैं यहाँ पर आकर देख रहा हूँ तो बहुत ही मस्त लग रहा है मंदिर।